और आप देख रहे हैं बॉलीमित न्यूज। दोस्तों, मुंगेर में लगातार हो रहे बवाल और लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए चुनाव आयोग ने मुंगेर के जिलाधिकारी राजेश मीणा और पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। साथ ही नए डीएम और एसपी की तैनाती कर दी गई है। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले की जांच मगध प्रमंडल के कमिश्नर को सौंप दी है। वह अपनी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर आयोग को सौंपेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के समय मुंगेर में विसर्जन को जा रहे भक्तों के बीच भगदड़ मच गई। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तब भी हालात काबू में नहीं आए तो पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस के प्रति लोगों में आक्रोश भर उठा। इलाके में भारी तनाव फैल गया है। उसी का नतीजा है कि गुरुवार को इस घटना के विरोध में पूरे शहर को बंद रखा गया था और जगह जगह प्रदर्शन किया गया। कई जगह आज लोगों ने पुलिस का पुतला भी जलाया। आपको बता दें, मामले पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पुलिस का गोली चलाना किस हद तक गलत है? कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।